नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube में हेल्प टेक्निकल सपोर्ट में। आज हम बात करेंगे ट्रेनी वेरिफिकेशन का। जो कैंडिडेट 2021 बैच में एडमिशन लिए थे, उनकी जिनकी एक साल ट्रेड थी, वन ईयर ट्रेड थी या टू ईयर ट्रेड थी, उन्होंने फर्स्ट ईयर, जैसे जिनकी टू ईयर ट्रेड थी उनका फर्स्ट ईयर में एक बार ट्रेनी वेरिफिकेशन करवाया गया होगा, उन्होंने ट्रेनी वेरिफिकेशन अपना किया होगा, लेकिन सेकेंड ईयर में उनका अभी ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। और ये DGT का नोटिस आया हुआ है कि जिन भी कैंडिडेट का ट्रेनी वेरिफिकेशन नहीं हुआ होगा, उनका एडमिट कार्ड जो हॉल टिकट है वो जनरेट नहीं किया जाएगा। तो आज हम बात करेंगे हॉल टिकट जनरेट करने से पहले ट्रेनी वेरिफिकेशन कैसे करना है। आपको आ जाना इस ऑफिशियल वेबसाइट पर NCVT MIS पे, इसका हम लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर बार की तरह प्रोवाइड कर देंगे। सिंपली आपको आ जाना NCVT MIS पे और यहाँ पर आना ट्रेनी वाले सेक्शन पे। आने के बाद आपको आना है नीचे, देखिए ट्रेनी वेरिफिकेशन, ये देखिए ट्रेनी वेरिफिकेशन दिया है, इस पर आपको क्लिक करना होगा। ट्रेनी वेरिफिकेशन पर क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको एडमिशन रिक्वेस्ट नंबर और अपना नेम भरना है। नेम भरने के बाद गार्जियन और फादर नेम जो आपने भरा होगा स्टार्टिंग वो भर देना। फिर आपको यहाँ से डेट ऑफ बर्थ चूज करनी। डेट ऑफ बर्थ चूज करने के बाद आपको जो एक कैप्चर कोड दिया, कैप्चर कोड फिल करके सबमिट पर क्लिक कर देना है। अगर आपको वहाँ से प्रॉब्लम आ रही है तो सिंपली आपको आना, देखिए ये ट्रेनी वाले सेक्शन पे देखिए आपको सिंपली आपको क्या करना होगा, ट्रेनी वेरिफिकेशन बिफोर HT जो ये ऑप्शन दिया होगा, ट्रेनी वेरिफिकेशन बिफोर HT, आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना होगा। क्लिक करने के बाद देखिए आपके पास क्या पेज आएगा एक नया, जिसमें लिखा है साहब दिस पेज इज यूज टू वेरीफाई ट्रेनी प्रोफाइल बिफोर फर्स्ट टाइम हॉल टिकट जनरेशन। आप देख पा रहे होंगे, मतलब ये सिंपली आपको यहाँ से आप वेरीफाई कर सकते हैं इस जो वेबसाइट है। इस वेबसाइट का हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सीधा प्रोवाइड कर देंगे। इस पेज का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम वेबसाइट प्रोवाइड कर देंगे। आपको सिंपली यहाँ पर ट्रेनी नेम डालना, ट्रेनी नेम डालने पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल कर देना। रजिस्ट्रेशन नंबर आपका 00 करके स्टार्ट होगा, उस पर आपको 00 हटा देना और उस पर आर लिख देना, और लिख के सिंपली आपको फिल कर देना। फिल करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन नंबर की, रजिस्ट्रेशन नंबर आपका जो एडमिट कार्ड होगा, मतलब आइडेंटिटी कार्ड जो होगा कॉलेज से प्रोवाइड किया गया होगा, आप आइडेंटिटी कार्ड उस पर भी आपका जो पंजीकरण संख्या वही आपका यहीं रजिस्ट्रेशन नंबर में फिल करना होगा। तो सिंपली आप अपना आईडी कार्ड देखिए, आईडी कार्ड में जो 200 से स्टार्ट हो, किसी का 400 से स्टार्ट हो, जो भी स्टार्टिंग हो आपका, वो आप उसके आगे सिंपली कैपिटल आर लिखना है। कैपिटल आर लिख के संख्या लिख देनी है। संख्या लिखने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए ईमेल आईडी दिखेगी। ईमेल आईडी दिखने के बाद आपको मोबाइल नंबर दिखेगा, जो आपका मोबाइल नंबर इस पर लगा होगा। इसके बाद अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो अपडेट के ऑप्शन पर क्लिक करना है, नहीं तो सिंपली आपको कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अगर आपको कुछ अपडेट करना है तो अपडेट करने के पे आपको देखिए यहाँ से आपको डेट ऑफ बर्थ डालना होगा, फिर उसके बाद इंटर आधार नंबर फॉर वेरीफिकेशन, आपको आधार नंबर डाल के वेरीफाई करना होगा। आपने जो नंबर प्रोवाइड किया है उस पर एक वन टाइम पासवर्ड गया है, वन टाइम पासवर्ड डाल के आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप OTP डालकर वेरीफाई करेंगे तो आपके सामने आपका पेज खुल के आ जाएगा। कुछ प्राइवेसी की वजह से हम आपको पेज नहीं दिखा सकते हैं, बल्कि आपको जो भी देखिए आपका जो ट्रेनी नेम है, अगर आपको कुछ करेक्शन करना है तो आप आगे टिक कर देंगे। फादर नेम देख लेना, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ देख लेना, जेंडर देख लेना, कैटेगरी देख, आधार नंबर, फोटोग्राफ, जो भी आपको करेक्ट करना है वो आपको यहाँ पर देख लेना है और सिंपली टिक कर। यहाँ पर आपको अगर करेक्ट है सब कुछ तो सिंपली आपको यहाँ पर टिक कर देना, अगर इनकरेक्ट है सिंपली इसकी दूसरी साइड देखिए आपको इनकरेक्ट का ऑप्शन आ रहा है, आप जो भी है इनकरेक्ट उसको यहाँ पर टिक कर देना है। टिक करने के बाद आपको क्या करना होगा हम बताते हैं आगे। जैसे कुछ इनकरेक्ट है आपको, सिंपली आपको इनकरेक्ट पे क्लिक करके आपको सिंपली क्या करना होगा, सबमिट के ऑप्शन पर, सबमिट प्रोफाइल पर क्लिक कर देना। सबमिट प्रोफाइल पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपका जो इनकरेक्ट है वो करेक्ट करने का ऑप्शन आ जाएगा।
उसको आपको करेक्टली भर देना है सही करके, जो भी है आपका नाम हो, डेट ऑफ बर्थ हो, जेंडर हो, जो भी आपका हो आपको सिंपली सही सही फिलअप करना है, क्योंकि आपकी जो अब जो नया नियम आया है उस पर आपकी मार्कशीट पर बाद में संशोधन नहीं हो पाए, क्योंकि अब यही मार्कशीट में नाम, डेट ऑफ बर्थ, जो भी जितना भी डाटा है वही फिल होके आएगा, आप उस पर करेक्शन नहीं कर पाएंगे, करेक्शन करवाने में बहुत आपको दिक्कत होगी। इसलिए इस बार DGT ने पहले ही आपको ये नोटिस जारी कर दिया है, और इसकी लास्ट डेट अगर बात करें 30 तारीख लास्ट डेट है इसकी। अभी आपके पास 3 दिन का समय है, 3 दिन का समय में आप अपना करेक्शन कर लीजिए, जो भी अपडेट करना अपडेट कर लीजिए। तो जिस कैंडिडेट का हम कर रहे हैं उसका सारा डाटा सही है, तो सिंपली क्या करेंगे, फाइनल सबमिट पर क्लिक कर देंगे। देखिए यहाँ पर मैसेज आ गया, ट्रेनी प्रोफाइल वेरिफिकेशन नो करेक्शन आल करेक्ट डियर ट्रेनी, योर प्रोफाइल हैज़ बीन वेरीफाइड सक्सेसफुली, योर हॉल टिकट, जो हॉल टिकट मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट वुड बी जनरेट यूजिंग द डाटा कन्फर्म बाई यू, नंबर फर्दर चेंज शैल बी अलाउड। अब आपका कोई भी जो करेक्शन का है वो आपका करेक्शन नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने फाइनल डाटा सबमिट कर दिया, जो भी करेक्शन करना था आपको वहाँ इनकरेक्ट पर क्लिक करके आपको जो भी डाटा आपको सही करना तो सही करके आपको फाइनल सबमिट कर देना था, चाहिए था। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जितना ज़्यादा ज़्यादा हो सके आप अपने दोस्तों को जितना जल्दी हो सके फॉरवर्ड कर दीजिए, ताकि वो लोग भी वीडियो को देख करके अपना डाटा सही कर सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।